लगातार हो रही बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। पूरे शहर पानी पानी हो गए हैं। कहीं नदी नाले उफान पर हैं तो कहीं लोगों के घरों में पानी है। ऐसी खतरनाक बारिश ने लोगों की जान तक ले ली है। हादसा उत्तराखंड के काशीपुर का बताया जा रहा है, जहां देर रात जोरदार बारिश के चलते ग्राम मिसरबाला में एक मकान गिरने से घर में सो रहे दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम नसीर शाह और उसकी पत्नी मोहम्मदी और उसके साथ मौजूद नवासी मनसा गंभीर रूप से घायल हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बालिका को राजकीय चिकित्सालय भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही जिला अधिकारी ने मृतकों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की भी घोषणा की है। मकान के गिरने से जो है ये नसीर अहमद पुत्र बजीर शाह हैं, उनकी पत्नी है मोहम्मदी और उनकी जो एक बेटी थी मंतसा, तो मंतसा तो घायल है लेकिन नसीर अहमद और जो उनकी पत्नी मोहम्मदी है उनकी जो है मौके पर ही डेथ हो गई थी। तो इनको जो है क्योंकि मामला दैवीय आपदा के अंतर्गत हुआ है तो इनको नियमानुसार और साधना जैसानुसार जो भी धनराशि है वो जिलाधिकारी महोदय की सुपुर्दगी के उपरांत है वितरित की जाएगी। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।